फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? देखिए, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ टूटी फूटी। जो ये हम लोग तरबूज लेते हैं ना, ये तरबूज का जो छिलका होता है उसे वेस्ट नहीं करना है, उससे ही से हम ये टूटी फूटी बनाएंगे। तो टूटी फूटी बनाने के लिए तरबूज के छिलकों को ये पीछे वाला निकाल देंगे और बीच वाला जो होता है उसे पीस पीस काट करके इसे हम बॉयल होने के लिए चढ़ा देते हैं। ये हमारा 5 मिनट बस बॉयल करना है, उसे ज़्यादा नहीं ये करना है, पकाना है, बस थोड़ा सा पकाना है। बस इसको अब हम ढक देंगे, ये पकता रहेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं थोड़ा ये कैसा पक रहा है हमारा। हाँ, ये तो नरम हो चुका है। ये अब हम इसे गैस से थोड़ा नीचे उतारेंगे। इसे नीचे उतार दिए, थोड़ा सा बस ठंडा हो करने देते हैं और इसे छन्नी से इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। इसे बस इसे में निकाल देते हैं। ये पानी हम कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी पानी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, करीब आधा कप हम चीज में चीनी डाले हैं। ये आधा कप पानी भी डाल दिया। अब इसे इसका जूस बनाना है, अच्छे से इसको मिला देना है। तो हमारा चीनी मेल्ट हो रहा है, पूरा अच्छे से घुल जाने तक इसको हम चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चीनी पूरा खोल गया अच्छे से। अब हम इसमें ये टूटी फूटी डाल देंगे। बढ़िया, क्या इसको हम इसमें डाल दिए हैं, इसको अच्छे से इसमें रस अंदर जाने तक इसको पकाएंगे चीनी में। मतलब ये पेठा भी बन सकता है ऐसे तो, मगर टूटी फूटी बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है ये टूटी फूटी? देखिए इसमें कितना अच्छा उबाल आ रहा है, कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा चाशनी में पूरे अच्छे से मिक्स हो गया है, पक भी गया है ये। अब हम इसे दूसरे बर्तन में सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे चारों में मतलब डाल दिया है, मैंने इसे चार हिस्से में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसे कलर फूड इसमें डालूंगी, फूड कलर, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने ये दिया है रेड कलर। ये हो गया मेरा रेड कलर। देखिए, मैंने इसमें रेड कलर डाल दिया। अब मैं इसमें पिंच ऑफ ग्रीन कलर डालूंगी। ये देखिए, ये हो गया मेरा ये ग्रीन कलर। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ ये ऑरेंज कलर, इसको बोलते हैं केसर कलर। मैं डालूंगी नेक्स्ट ये लेमन येलो। ये है हमारा ये लेमन येलो, कितना प्यारा लग रहा है ना। आप भी ट्राई कीजिए और इसे ज़रूर बनाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स एंड कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने ये रेडी है टूटी फूटी। अब मैं इसे 24 घंटे तक ऐसे छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसे खुले हवा में, खुले पंखे के नीचे सुखा दूंगी। कल
कल ये हमारा बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा सूख करके ये टूटी फूटी। फ्रेंड्स देखिए ये मेरा टूटी फूटी बिल्कुल भी रेडी है। मैंने इसे रात में ही पानी से निकाल के एक पेपर पे फैला के पंखे के नीचे सुखा दिया है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और ऐसे मेरे और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें।